दोस्तों, अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह YouTube सिंगर फरमानी नाज के चाहने वालों की धड़कनें बढ़ा सकती है, क्योंकि खबर के अनुसार सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फरमानी नाज की गिरफ्तारी हो सकती है। खबर में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक अखबार की कटिंग को ज़रा ठीक से देख लीजिए जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। खबर में हेडिंग बनाई गई है, यूट्यूबर फरमानी नाज और उसके दो भाइयों की गिरफ्तारी के लिए मेरठ पुलिस ने दी मुजफ्फरनगर में दबिश। सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल की जा रही है वह पूरी खबर भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप इस खबर का पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। पहले आप जानिए कि खबर सचिन पवार नाम के पत्रकार के नाम से बाईलाइन छपी है। खबर कुछ इस प्रकार है कि थाना भावनपुर में मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुए मामले में यूट्यूबर फरमानी नाज और उसके साथी फरमान पुत्र आरिफ, सलमान पुत्र आरिफ और राहुल की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को थाना भावनपुर पुलिस ने फरमानी नाज और उसके साथियों के आवास मुजफ्फरनगर लोहेड़ा पर दबिश दी। लेकिन पुलिस को आता देख फरमानी नाज और उसके साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए, जबकि आरोपियों के फरार हो जाने के बाद थाना भावनपुर पुलिस को मुजफ्फरनगर से मायूस होकर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फरमानी नाज ने अपने दो भाइयों और एक दोस्त के साथ थाना भावनपुर के हसनपुर में अपने ससुरालियों के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। ससुराल में रह रही ननद के साथ फरमानी नाज के भाई फरमान ने छेड़छाड़ करते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की थी। वहीं फरमानी नाज अपनी ननद को जान से मारने की कोशिश करते हुए धमकी देकर फरार हो गई थी। इसी के चलते थाना भावनपुर पुलिस की एक टीम मुजफ्फरनगर आरोपियों के आवास पर गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची थी। तो दोस्तों, अखबार की इसी कटिंग को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जबकि इसी खबर के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में फरमानी और उनके भाइयों की गिरफ्तारी हो सकती है। मगर जब अखबार की यह कटिंग की फोटो टाइम 24 न्यूज टीम के हाथ लगे तो सबसे पहले हमने पाया कि अखबार नुमा इस फोटो में जो समाचार छपा है उसकी वर्तनी में ही कई गलतियां हैं, इसलिए सच की पड़ताल करने के लिए हमने गूगल बाबा का सहारा लिया। वहां भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे ये साबित होता हो कि वाकई फरमानी के गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरनगर में मेरठ पुलिस की कोई दबिश हुई थी, ना ही किसी टीवी चैनल, डिजिटल मीडिया या फिर किसी जिम्मेदार समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई खबर प्रकाशित हुई है। यानी अखबार की जिस कटिंग को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर फरमानी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है वह अपने आप में ही संदिग्ध है। जबकि दोस्तों, फरमानी नाज जिस रोज़ अपने ससुराल गई थी उस रोज़ का वह पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा खुद ही अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया गया था। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा यह दावा संदिग्ध पाया गया, लेकिन रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी फरमानी या फिर वंशिका से जुड़ा कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस लिंक को फरमानी के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचा दें। इंटरटेनमेंट डेस्क, टाइम 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।